प्यारे छात्रों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बिंदास। तो पढ़ने वाले हैं आज त्रिभुज के क्लास, ठीक है? आज हम लोग त्रिभुज का क्लास क्या करें, स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो देखो, ध्यान से देखो, त्रिभुज यानी ट्रायंगल, ठीक है? और ये क्या है, छोटा सा टॉपिक होने वाला है, ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट का क्लास होगा, ठीक है? तो ध्यान से देखना है, ठीक है? तो कहता है कि देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के बारे में जानते हैं, त्रिभुज का बारे में पढ़ना है तो त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तो कहता है तीन रेखाखंड से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। रेखाखंड किसे कहते हैं? जैसे ये क्या है, रेखा है, ठीक है? इसके बीच का मान के चलो कोई पार्ट ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ से तो इसका रेखाखंड हो गया, ये हो गया, ठीक है? एक रेखाखंड इस तरह से बनाओ, इस तरह से बनाओ, ये क्या है, त्रिभुज है, ठीक है? तीन रेखाखंड से घिरी हुई कोई भी आकृति क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है, ठीक है? त्रिभुज में देखो क्या होता है, तीन शीर्ष होता है, ठीक है? तीन शीर्ष होता है, तीन कोण होता है, ठीक है? और तीन क्या होता है, भुजा होता है, ठीक है? त्रिभुज में कितना होता है, तीन शीर्ष, ठीक है? तीन क्या होता है, शीर्ष होता है, तीन कोण होता है, और तीन क्या होता है, भुजा होता है। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है? तीन क्या होता है, शीर्ष, शीर्ष मतलब जो बिंदु, ठीक है? शीर्ष बिंदु हम लोग किसको बोलेंगे, कहते हैं दो रेखाखंड जहाँ पर क्या होते हैं, मिलती है, मिलने से जो क्या होता है, जो शीर्ष उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बिंदु। जैसे ये दो रेखाखंड मिला, ये हमारा क्या होगा, शीर्ष बिंदु हो गया, यहाँ से मिल रहा था ये, और ये दोनों मिल रहा है तो ये शीर्ष बिंदु हो गया, ठीक है? उसी तरह से कोण की बात किया जाए तो क्या होता है, दो रेखाखंड के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण बोलते हैं, ठीक है? तो ये देखो दो रेखाखंड है, मिल रहा है, यहाँ से क्या झुकाव उत्पन्न हो रहा है, तो झुकाव क्या हो, इस तरफ उत्पन्न हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, ठीक है? तो त्रिभुज में कितना कोण होता है, सहसा तीन कोण होता है, और त्रिभुज में कितना होता है, तीन भुजा होता है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक, ठीक है? समझ गया, त्रिभुज में ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा है नहीं, ठीक है? अब कहता है कि त्रिभुज में पढ़ना क्या है, ठीक है? तो जैसे आप लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े होंगे सर्वांगसम, ठीक है? सर्वांगसम छोटा सा क्या टॉपिक है, थोड़ा सा क्या कर दें, एक्सप्लेन कर दें। तो सर्वांगसम, सर्वांगसम इस मतलब एक समान, ठीक है? मतलब सभी क्या हो, एक समान। मान के चलो कि एक त्रिभुज है, ठीक है? ये त्रिभुज है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज सर्वांगसम कब होगा, ठीक है? जब ये भी क्या हो, तीन हो, ये भी तीन हो, या ये भी क्या हो, तीन हो, ठीक है? ऐसा बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या आपस में सर्वांगसम है, ठीक है? और इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, समरूप, ठीक है? ये दोनों क्या है, मिलता जुलता वर्ड है, ठीक है? ये दोनों क्या है, मिलता जुलता क्या है, शब्द है, ठीक है? डिफरेंस क्या है, ठीक है? सर्वांगसम में क्या बोलता है कि, ठीक है, एकदम हूबहू वैसा ही आकृति, सेम साइज, ठीक है? जैसे मान के चलो एक व्यक्ति क्या है, जिसकी हाइट क्या है, ठीक है, मान के चलो 5 फीट है, ठीक है? उसका चेहरा क्या है, मतलब चेहरा नक्शा उक्शा क्या है, मतलब कुछ है, ठीक ना? और सेम एक और व्यक्ति है जिसका भी हाइट क्या होना चाहिए, 5 फीट होना चाहिए, वैसा ही चेहरा होना चाहिए, वैसा मतलब उतना गोरा ही होना चाहिए, चाहे काला है तो उतना काला होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे कि हाँ ये क्या है, मतलब मिलता जुलता, ठीक है ना? तो ये मतलब पूरी तरह से सर्वांगसम है, ठीक है? मतलब ड्यू टू कॉपी, ठीक है, मतलब फ़ोटो को भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग क्या किसी चीज़ का फ़ोटो कॉपी कराते हैं, हूबहू क्या करता है, छाप देता है, ठीक है? तो हम लोग का हो गया सर्वांगसम, सर्वांगसम की कहानी जो हम लोग पिछले क्लास 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है? अब समरूप में क्या होता है, ठीक है? समरूप में क्या होता है, ये भी क्या है, मिलता जुलता वर्ड है, ठीक है? हूबहू एकदम आकृति मिलेगा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, ठीक है? हो सकता है कि वो जो आकृति है छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है? जैसे मान के चलो कि यहाँ क्या एंगल बनाओ, त्रिभुज बनाओ, ठीक है? ये हमारा त्रिभुज है और ये भी हमारा क्या है, त्रिभुज है। ये दोनों आकृति क्या है, सेम है, ठीक है? ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी क्या है, त्रिभुज है, और ये भी हमारा क्या है, त्रिभुज है। ये दोनों हमारा त्रिभुज है, इसको मान के चलो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये क्या है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये दोनों क्या है, त्रिभुज में, ठीक है? तो समरूप में कहानी क्या होता है कि देखो, त्रिभुज का जो मतलब है आकृति होगा, ठीक है, मिलेगा आकृति, मतलब ये क्या होगा, एक रेशियो में होगा, ठीक है? मतलब बढ़ते क्रम, मान के चलो कि ये 5 सेंटीमीटर बढ़ा है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये भी उसी रेशियो में क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं हो, मान के चलो कि ये हम त्रिभुज बनाए, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, और ये 4 और ये 5 मान लेते हैं, ठीक है? तो इसका भुजा जो क्या है, 3, 4, 5। तो अगला जो त्रिभुज होना चाहिए, समरूप में क्या कहता है, समरूप में क्या कहता है कि एक रेशियो बढ़ना चाहिए, ठीक है? एक रेशियो में, जैसे ये 3 मान के चलो कि ये 5 है, तो ये 3 है तो ये क्या हो, ये 3 है तो 5 है, ठीक है? तो 2 का अंतर है तो ये 4 हो, तो ये क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और ये 5 है तो ये 10 होना चाहिए, अथी 5 में क्या करो 2 जोड़ो, तो ये क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मतलब एक रेशियो में क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है? एक रेशियो में, ठीक है?
यदि इसका रेशियो निकालना चाहे तो सब जगह क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा, चार और नीचे आठ और ये सात वाई क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये सभी का जो रेशियो होना चाहिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यदि मान के चलो कि रेशियो क्या है इक्वल नहीं आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि रेशियो सही लिए हैं कि नहीं, ठीक है। इसको यदि डिवाइड करेंगे, चलो छोड़ो हटाओ, क्या करो थोड़ा सा अच्छा सा मान लो, इसको क्या मान लो तीन चार पाँच, ठीक है। तो ये मान के चलो कि इसका जो आकृति है दो गुना है, ठीक है। यहाँ से तीन से क्या मान लेते हैं छः, और इसको मान लेते हैं आठ ही मान ले रहने दो, और इसको दस मान लो, ठीक है, इसको दस मान लो, ठीक है। तो ये देखो आकृति में क्या, देखो यहाँ नंबर क्या है, डिफरेंस डिफरेंस है, छः आठ दस तीन चार पाँच, ठीक है। तो अब देखो अब इसका रेशियो निकालो, तो रेशियो क्या होना चाहिए, सब जगह इक्वल होना चाहिए, ठीक है, छः आठ और दस। इसको देखो इसको काटेंगे तो वन बाई टू, ये भी कट जाएगा तो वन बाई टू, और ये भी कट जाएगा, तो इसका रेशियो क्या होगा, यानी वन बाई टू वन बाई टू, मतलब एक समान रूप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ये देखना है ध्यान से, यही देखना है कि जो रेशियो होना चाहिए एक रूप से क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो बोलेंगे क्या ये समरूप है, ठीक है। समझना क्या, जैसे आप बताएं कि जैसे मान के चलो कि हम एक पेज का क्या कहें, फ़ोटो कॉपी कराने जाए, ठीक है, जैसे हम बनाएं फ़ोटो कॉपी, तो जैसे मान के चलो आप फ़ोटो खींचाएँ, ठीक है, तो फ़ोटो क्या होता है उतना बड़ा ही तो क्या करता है, दिखाता नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, रिसाइज करते हैं। जैसे मान के चलो कि इतना बड़ा फ़ोटो फ्रेम किए, ठीक है, फ़ोटो खींचे तो मोबाइल में आया, अब उसको अपने अनुसार क्या करते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो वही होता है, क्या होना चाहिए, मतलब कुछ भी क्वालिटी चेंज नहीं होना चाहिए, खाली आकृति मतलब आकार का जो साइज़ है क्या होगा, छोटा और बड़ा होगा, उसी को बोलते हैं समरूपता, ठीक है, मतलब समरूप। तो इस अब इसका हेडिंग त्रिभुज नाम क्यों पड़ा, अब ऐसा नहीं है कि समरूपता सिर्फ त्रिभुज में ही होगा, हो सकता है वृत्त भी हो, जैसे ये एग्जाम्पल ही है ना फोटो का, तो फोटो क्या होता है वर्गाकार का, यानी चरखुट अति सॉरी चतुर्भुज आकार का होता है, ठीक है। उसी तरह से सर्किल में भी ले सकते हैं, तो सर्किल तो सब क्या होता है समरूप होगा, इसलिए ठीक है बड़ा लो छोटा लो सब सर्किल क्या होता है आपस में समरूप होगा, क्यों, क्योंकि इसका देखो रेडियस क्या होता है सबका क्या होता है पाई ही मानेंगे, ठीक है। इसका मान के चलो चार, इसका सात, इसका आठ, इसका नौ, और इसका रेडियस इसका जो ये क्या होता है पाई, इसमें जो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, सारा कहानी क्या होता है रेडियस का होता है। तो कोई भी सर्किल बना दीजिए एक दूसरे का क्या होता है समरूप ही होता है, ठीक है। तो ये क्या करना है ध्यान देना है, ठीक है। अब ये चैप्टर जो होता है इसी को क्या करते हैं यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है मतलब सिद्ध करने के लिए, ठीक है, मतलब जैसे त्रिभुज आ जाए, ठीक है, मान के चलो कि कुछ कुछ क्या है जो है ना, जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज है, ठीक है, मान के चलो कि ये दोनों बीच से क्या करते हैं दोनों को समद्विभाजक कर दिए, ठीक है, तो इसको क्या करें प्रूफ करिए, ठीक है, समरूपता मतलब ये सब क्या करना है प्रूफ करना है, जो मेन मेन है उसको क्या करें समरूप करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, जब एग्ज़ाम में जो जो आता है उसको क्या करेंगे एक से दो महीना पहले करें क्या करेंगे सबको सीधे करेंगे, ताकि उस समय क्या हो याद हो, ठीक है। तो इस क्लास को क्या करते हैं यहीं सब समाप्त करते हैं, अगले क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।